बराए रास्त मनाजिर आप देख रहे हैं। सऊदी अरब का आला सतह वफ्द इस्लामाबाद पहुंच गया है और उन्हें वजीर तजारत ने रिसीव किया है। आप देख सकते हैं वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक और जाम कमाल मौजूद मेहमानों का इस्तकबाल कर रहे हैं। अब से कुछ देर पहले सऊदी अरब का आला सतह वफ्द इस्लामाबाद पहुंचा है और उन्हें यहां पर वफाकी काबीना के अराकीन ने रिसीव किया है। वफ्द 30 से ज्यादा कंपनीज के लिए सरमायाकारी के लिए यहां पहुंचा है और वफाकी वज़रा मुसद्दिक मलिक और जाम कमाल ने वफ्द का इस्तकबाल किया है। अब से कुछ देर पहले के मनाजिर आप देख रहे हैं। सऊदी अरब का आला सतह का वफ्द है जो इस्लामाबाद पहुंचा है। वफ्द में 30 से ज्यादा सऊदी कंपनीज के सरमायाकार शामिल हैं और पाकिस्तान में सरमायाकारी के उमूर और मवाकों का वो जायजा लेंगे, इसीलिए यहां पर वो वफ्द पहुंचा है। इससे पहले वजीर आजम पाकिस्तान सऊदी अरब पहुंचे थे और एक वफ्द पहले भी इस्लामाबाद पहुंचा था और उसके बाद दोबारा से मीटिंग्स हुई थी और अब ये सऊदी अरब का वफ्द इस्लामाबाद पहुंचा है। बताया जा रहा है कि 30 से ज्यादा सऊदी कंपनीज हैं जिनके सरमायाकार इस वफ्द में शामिल हैं। वफाकी वज़रा मुसद्दिक मलिक और जाम कमाल ने वफ्द का इस्तकबाल किया है। अब से कुछ देर पहले के मनाजिर आप देख रहे हैं। सऊदी अरब का तजारती वफ्द आला सतह का ये वफ्द है जो इस्लामाबाद पहुंचा है। इस वफ्द में 30 से ज्यादा सऊदी कंपनीज के सरमायाकार शरीक कर रहे हैं और वो यहां पहुंचे हैं। वफाकी वज़रा मुसद्दिक मलिक और जाम कमाल ने वफ्द का इस्तकबाल किया है। पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी के रोशन इम्कानात मौजूद हैं। इस हवाले से पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बायलेटरल सतह के मुज़ाकरात हुए हैं। सऊदी वफ्द पहले भी पाकिस्तान आया था और वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ भी सऊदी अरब गए थे। उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान जो कि वली अहद हैं उन्हें भी पाकिस्तान के दौरे की दावत दी थी। इसके बाद ये चीजें मटीरियलाइज होने जा रही हैं। आज हम देख रहे हैं कि सऊदी अरब का आला सतह का वफ्द इस्लामाबाद पहुंचा है। अब से कुछ देर पहले इस वफ्द में 30 से ज्यादा सऊदी कंपनीज के सरमायाकार भी शामिल हैं। सऊदी अरब का आला हुकाम वहां के सरमायाकारों के साथ पाकिस्तान पहुंचा है और पाकिस्तान में उनका इस्तकबाल किया गया है। वफाकी वज़रा मुसद्दिक मलिक और जाम कमाल जो कि फेडरल मिनिस्टर्स हैं उन्होंने उनका इस्तकबाल किया है। पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी के रोशन इम्कानात मौजूद हैं। इन्हीं एवेन्यूज का जायजा लेने के लिए ये सऊदी कंपनीज यहां पहुंची हैं। सऊदी फंड्स के जो लोग हैं उससे पहले वफाकी वजीर खजाना से वाशिंगटन में भी मुलाकात कर चुके हैं, सऊदी अरब में भी मुलाकात हुई थी और अब हम ये देख रहे हैं कि सऊदी सरमायाकारी वफ्द 30 अफराद पर जो मुश्तमिल है वो पाकिस्तान पहुंच गया है। अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान पहुंचा है और वफाकी वज़रा ने उनका इस्तकबाल किया है। पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी के रोशन इम्कानात मौजूद हैं और इन्हीं एवेन्यूज का जायजा लेने के लिए सऊदी कंपनीज का यह नुमाइंदा वफ्द पाकिस्तान पहुंच चुका है। सऊदी अरब का आला सतह का वफ्द इस्लामाबाद अब से कुछ देर पहुंचा है और बताया जा रहा है कि वफ्द में 30 से ज्यादा सऊदी कंपनीज के सरमायाकार शामिल हैं। वफाकी वज़रा मुसद्दिक मलिक और जाम कमाल ने इस्तकबाल किया है। दीगर अहम जो मेंबरान थे वो भी यहां मौजूद थे। सऊदी वफ्द जब यहां पहुंचा है तो उन्हें रेड कार्पेट दिया गया है। आप देख सकते हैं कि बच्चों ने पाकिस्तानी परचम और सऊदी परचम भी हाथों में पकड़े हुए हैं और सऊदी वफ्द का खैर मकदम कर रहे हैं। उन्हें गुलदस्ते भी पेश किए गए हैं पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से। जब वो यहां पहुंचे हैं रेड कार्पेट इस्तकबालिया दिया गया है और साथ ही बच्चों ने उनका इस्तकबाल किया है। पाकिस्तान की रिवायत रही है कि जब भी कोई फॉरेन डेलीगेशन आता है तो उसे रेड कार्पेट दिया जाता है और पाकिस्तान अपनी सकाफत के मुताबिक भरपूर अंदाज में इस्तकबाल करता है। आप देख सकते हैं कि बच्चों ने इलाकाई और सकाफती कपड़े पहने हुए हैं जो कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं। साथ ही साथ उन्होंने गुलदस्ते पेश किए हैं और हाथों में सऊदी और पाकिस्तानी परचम भी थामे हुए थे। अब से कुछ देर पहले सऊदी अरब का आला सतह का वफ्द इस्लामाबाद पहुंचा है और अब तक की जो डिटेल सामने आई है उसमें बताया जा रहा है कि वफ्द में 30 से ज्यादा सऊदी कंपनीज के सरमायाकार शामिल हैं। सऊदी हुकूमत के लोग भी इसमें शामिल हैं और 30 से ज्यादा सऊदी कंपनीज हैं जिनके सरमायाकार भी इस वफ्द में शामिल हैं। पाकिस्तान की जानिब से रेड कार्पेट इस्तकबालिया दिया गया है। वफाकी वज़रा मुसद्दिक मलिक और जाम कमाल समेत दीगर आला हुकाम ने सऊदी वफ्द का इस्तकबाल किया है। पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी के रोशन इम्कानात मौजूद हैं। सऊदी वफ्द को मुख्तलिफ मंसूबों के बारे में भी ब्रीफ किया जाएगा। अब देखना यह है कि सऊदी वफ्द आगे कहां जाता है और इस बारे में क्या डिटेल्स हैं ये जानेंगे। सीनियर एंकर पर्सन शौकत पराचा ने हमें ज्वाइन किया है। शौकत पराचा बताएगा, सऊदी वफ्द पहुंच चुका है, पाकिस्तान में सरमायाकारी के एवेन्यूज मौजूद हैं और अब पहले भी मुलाकातें होती रही हैं सऊदी हुकूमत की और सऊदी वली अहद को भी पाकिस्तान की दावत दी गई थी। अब हम देख रहे हैं कि सऊदी तजारती वफ्द पाकिस्तान पहुंच चुका है। ये प्रोसेस तो शुरू हुआ था जब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर सैयद
गए थे सऊदी अरब और क्राउन प्रिंस हिज रॉयल हाइनेस मोहम्मद बिन सलमान से उनकी मुलाकात हुई थी। फिर रमजान शरीफ के आखिरी हफ्ते में आपको याद है वजीर आजम गए, वजीर आजम शहबाज शरीफ की भी मुलाकात हुई क्राउन प्रिंस हिज रॉयल हाइनेस मोहम्मद बिन सलमान के साथ। सऊदी वजीर खारजा हिज हाइनेस प्रिंस फैसल बिन फरहान पाकिस्तान आए एक बड़े डेलीगेशन के साथ। तो ये जो प्रोसेस चला है ये उसी प्रोसेस का नतीजा है कि आज इतना बड़ा डेलीगेशन सऊदी अरब के बिजनेसमैनों का पाकिस्तान पहुंचा है। ये बेसिकली बिजनेस टू बिजनेस जो है वो पाकिस्तान और सऊदी अरब के इकोनॉमिक रिलेशन आगे बढ़ेंगे। कल यहाँ इस्लामाबाद में एक सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस है या बिजनेसमैनों की कॉन्फ्रेंस है जिसमें दो तरफा माशी तामन और खास तौर पर पाकिस्तान के अंदर जो सऊदी इन्वेस्टमेंट है जो कि कहा जा रहा है कि 10 से 15 बिलियन डॉलर की होगी। वैसे अभी सऊदी वलीअहद हिज रॉयल हाइनेस मोहम्मद बिन सलमान भी पाकिस्तान आने हैं और वो भी बहुत जल्द, मैं सिर्फ इतनी बात कह सकता हूं कि बहुत जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे और अगर थोड़ा सा इससे बढ़कर कहूं तो इसी महीने वो भी पाकिस्तान आ रहे हैं। तो ये जो वजीर खारजा का दौरा हुआ सऊदी वजीर खारजा का, फिर वहां गैम्बिया में भी वजीर खारजा और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार और सऊदी वजीर खारजा की मुलाकात हुई, अब ये डेलीगेशन आया है। ये सारा प्रोसेस लीड करेगा जो दोनों मुल्कों के दरमियान गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मुआहदे होने हैं या बिजनेसमैनों के आपस में जो डील्स होनी है, जब वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान जो वजीर आजम भी हैं सऊदी अरब के वो पाकिस्तान आएंगे। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। पहले सऊदी अरब के वजीर खारजा के साथ इतना बड़ा डेलीगेशन आया था, 100 लोग शामिल थे जिसमें 4-5 वज़रा भी थे, अब ये बिजनेसमैन आ गए हैं तो यकीनी तौर पर ये दो तरफा ताल्लुकात अब मौशी मैदान में भी आगे बढ़ेंगे। सऊदी अरब का आला सतह का वफ्द इस्लामाबाद पहुंच गया है। वफ्द में 30 से ज्यादा सऊदी कंपनीज के सरमायाकार शामिल हैं। विफाक वज़रा ने उनका इस्तकबाल किया है। इस हवाले से डिटेल्स शेयर कर रहे थे शौकत पराचा, बहुत शुक्रिया आपका।